और इस समय की बड़ी खबर लखनऊ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों की समस्याएं सुनी है। जनता दर्शन कार्यक्रम में सीएम ने फरियाद सुनी। सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर फरियादी पहुंचे हैं। जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुन भी रहे हैं। अधिकारियों को समस्याओं को सुलझाने के निर्देश भी दे रहे हैं। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी जनता से रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और आश्वस्त करते हैं कि जिनकी समस्याएं हैं उनका जल्द ही निराकरण होगा। जनता बड़ी आस के साथ पहुंचती है मुख्यमंत्री के दरबार। जनता दर्शन इसका नाम है, जिसमें राज्य में कोने कोने से जो फरियादी हैं पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। मुख्यमंत्री बाकायदा उन समस्याओं को पढ़ते हैं, देखते हैं और अधिकारियों को तुरंत उसके निस्तारण के आदेश देते हैं। जनता दर्शन कार्यक्रम, प्रदेश की जनता पहुंचती है मुख्यमंत्री के सामने, अपनी समस्याओं को बताती है। आज भी लोग बड़ी उम्मीद के साथ पहुंचे 5 कालिदास मार्ग, जो कि सरकारी आवास है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अनिकेत तिवारी हमारे सहयोगी। अनिकेत, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, पूरे राज्य भर से जो जरूरतमंद होते हैं, फरियादी होते हैं, पहुंचते हैं जनता दर्शन में। इस दरबार में मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं को समझते हैं, पढ़ते हैं और तुरंत ही उनके निस्तारण के आदेश भी देते हैं अधिकारियों को। देखिए पूजा, अगर बात की जाए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो पहले दिन से ही जब से प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद से लगातार प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का यही प्रयास रहा है कि उत्तर प्रदेश के जनवासियों की समस्याओं का निस्तारण तुरंत किया जाए। इसीलिए उन्होंने जनता दरबार लगाने का जो काम था वो शुरू किया। हालांकि जब वो गोरखपुर में रहा करते थे, तब भी वो जनता दरबार लगाते थे, लोगों की जन समस्याओं को सुनते थे और अधिकारियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश देते थे कि त्वरित उस पूरे मामले पर सुनवाई करके उनका निराकरण किया जाए। हालांकि आप जब प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद पर हैं, तो अभी भी वो कार्य सुचारू रूप से चालू है और सभी लोगों की समस्याओं को उसना केवल सुनते हैं बल्कि अधिकारियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश देते हैं कि जल्दी समस्याओं का निस्तारण करके उन्हें सुनिश्चित किया जा सके। पूजा, देखिए राजा हकीकत में वही है अनिकेत, जो कि प्रजा के बीच में रहता हो, प्रजा के दुख सुख को समझता हो और उनका हल करता हो, और यही खासियत है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। यही वजह है कि ऐतिहासिक ये इतिहास में दर्ज हो गया कि यूपी में कोई सरकार रिपीट हुई 36 साल बाद और सीएम दोबारा रिपीट हुए हैं। बिल्कुल, देखिए बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूजा, तो आज जनमानस उनके साथ जुड़ा हुआ है और यही कारण है कि दो बार जनता का जो जनादेश है वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिला और एक बड़े बहुमत के साथ में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हालांकि जिस तरह से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के कार्यकलाप और क्रियाकलापों की अगर बात की जाए, तो उनकी जो कार्यशैली और कार्य प्रणाली है उससे न केवल लोग खासा प्रभावित भी होते हैं बल्कि लोगों को कहीं ना कहीं आश्वस्त होते हैं कि अगर उनके पास कोई अपनी समस्या लेकर जाएगा तो न केवल उसकी समस्या को सुना जाएगा बल्कि उसका निराकरण भी तुरंत किया जाएगा। हालांकि बात की जाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूजा, तो लगातार वो अधिकारियों को भी साफ तौर पर दिशा निर्देश देते हैं कि जिलों में रहकर ही लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया जा सके और दूर दराज से लोगों को उनके पास तक ना आना पड़े। उसके बावजूद भी कहीं ऐसी खामियां देखने को मिलती हैं कि बहुत सारी संख्या में लोग प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंचते हैं और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखते हैं और ऐसे में जब उनके सामने किसी की समस्या आती है तो न केवल संबंधित अधिकारी को बुलाकर उसको फटकार लगाते हैं बल्कि उस पूरे मामले पर तुरंत कार्रवाई करने का दिशा निर्देश भी प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ देते हैं। और यही कारण है कि इस तरीके की जो कार्य प्रणाली प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की है पूजा, यही कारण है कि कहीं ना कहीं जनता में जो उनका जो प्रेम है, जो जनता में जो उनकी पसंद है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। बड़ा जन अधिकार प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और आज कहीं ना कहीं यकीनन तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर छवि की अगर बात की जाए तो आज वैश्विक स्तर पर एक बड़ा ब्रांड के नाम पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहचान बना चुके हैं अपनी। शुक्रिया आपका अनिकेत, इस खबर पर जानकारी देने के लिए।